now we have a box in which we will going to learn about the chambers of the heart and you can see the picture this is a human heart this is also a human heart which is located at the middle left side of your chest योर हार्ट इज डिवाइडेड इन टू फोर चैम्बर्स आपका जो हार्ट है वो डिवाइड होता है फोर चैम्बर्स में वन टू थ्री फोर दीज आर दौर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट अब इनके नेम्स कौन कौन से हैं लेफ्ट एट्रियम दैट इज लेफ्ट एट्रियम देन वी हैव दाइट एट्रियम right atrium the left ventricle that is the left ventricle and the right ventricle this is right ventricle अब आप पिक्चर में देख सकते हैं जो एट्रियम है ये अपर पार्ट में मुश्तमिल है और जो वेंट्रिकल है वो लोअर साइड पे है ठीक है अपर पार्ट में एट्रियम है यानी कि दोनों लेफ्ट एंड राइट एट्रियम और वे जो वेंट्रिकल है वो लोअर साइड पे है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल ब्लड ब्लड दैट इज रिच विद ऑक्सीजन फ्लोस फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जो कि रिच इन ऑक्सीजन होता है यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फ्लोस फ्लोस तो मतलब होता है बहना यानी कि फ्लो करता है फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इन टू लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या जो ब्लड जो कि रिच इन ऑक्सीजन होता है वो फ्लो करता है फ्रॉम दी लेफ्ट एट्रियम टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन अराउंड बॉडी और फिर आपकी पूरी बॉडी में ठीक है यानी कि पहले जो है आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है फिर लेफ्ट से राइट right वेंट्रिकल की तरफ जाता है और फिर आपकी पूरी बॉडी में फ्लो करता है ठीक है ब्लड विद विदाउट ऑक्सीजनेटेड फ्लोज फ्रॉम द राइट एट्रियम इन टू द रट वेंट्रिकल एंड देन टू लंग्स वेयर इट रिसीज ऑक्सीजन और जो ब्लड होता है विदाउट ऑक्सीजिनेटेड यानी कि डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है जो फ्लो करता है फ्राम राइट एट्रीएम राइट एट्रीएम से टू वर्थ दी राइट right वेंट्रिकल और मूव करता है टूर्ड्स दी लंग्स लंग्स की तरफ चला जाता है जहाँ पे वो जाके ऑक्सीजन रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लाइफ लेफ्ट वेंट सॉरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करता है या फ्लो करता है और मूव कर जाता है टूवर्ड्स दी होल बॉडी बट इन केस ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो डी होता है वो मूव करता है टूवर्ड दी राइट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करता है और मूव कर जाता है टूवर्ड्स दी लंग्स लंग्स की तरफ मूव कर जाता है ठीक है और वहाँ से वो ऑक्सीजन को हासिल करता है क्योंकि वो डी ब्लड होता है या तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होती या तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में ऑक्सीजन उसके पास होती है इसीलिए वो मूव कर जाता है टू वर्ड्स दी लंग्स लंग्स की तरफ वो चला जाता है जहां पे जाके वो ऑक्सीजन रिसीव करता है और गेट रेड ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहां पे ही छोड़ देता है ठीक है सो so, आज के इस लेक्चर में हमने हार्ट के बारे में पढ़ा कि हार्ट क्या होता है हार्ट जो एक वो मस्कुलर ऑर्गन है या एक मसल है और इसका फंक्शन क्या है इसका फंक्शन इसका फंक्शन ये है कि ये पंप करता है ब्लड को अराउंड योर बॉडी ठीक है या आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी को ठीक है जो कि आगे ऑक्सीजन को कैरी करता है आपके पूरी बॉडी के पार्ट्स में ठीक है फिर ऑक्सीजन क्या होती है ऑक्सीजन एक गैस होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इंसानों के लिए इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए फिर हमने वेट के बारे में पढ़ा कि जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका जो साइज़ होता है वो फिस्ट के बराबर होता है आपकी और अगर वेट की बात की जाए तो वोमेंस का जो वोमेंस के हार्ट का जो वेट होता है वो टू ट्वेंटी फाइव ग्राम्स होता है और मेंस कि हार्ट का जो वेट होता है वो टू एटी फाइव ग्राम्स होता है ठीक है फिर आपने हार्ट बीट के बारे में पढ़ा कि एक साल में कितनी होती है या आप लो कि पर ईयर कितनी होती है पर मंथ कितनी होती है फिर पर वीक कितनी होती है पर डे कितनी होती है पर आवर कितनी होती है और पर मिनट कितनी होती है और मतलब जो आपका हार्ट होता है वो हर टाइम ही धड़कता रहता है फिर उसके बाद हार्ट के चैम्बर्स के बारे में पढ़े कि फोर चैम्बर्स होते हैं इसके राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अपर साइड में एट्रियम होती है यानी कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम और लोअर साइड पे जो है वो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो राइट right एट्रियम uh, जो लेफ्ट वेंट्रिक लेफ्ट एट्रियम होते हैं उसमें और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि मूव करता है लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम से राइट लेफ्टेंट सॉरी सॉरी जो लेफ्ट एट्रियम होता है इस यहाँ से ब्लड जो है वो मूव करता है टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल और मूव करता है और फ्लो कर जाता है आपकी पूरी बॉडी में जबकि जो राइट right एट्रियम होता है यहाँ पे डी ब्लड होता है और ये मूव करता है या फ्लो करता है टू दी राइट वेंट्रिकल और राइट right वेंट्रिकल से फ्लो करता है टू दी लंग्स लंग्स में जाके क्या करता है वहाँ जाके ऑक्सीजन हासिल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं पे छोड़ देता है दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन्स हार्ट थैंक यू सो मच